गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लुकिंग गुड गाइज। तो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन ज्वेलरी हॉल। मैं आज आपको दिखाऊंगी ब्राइडल ज्वेलरीज और आर्टिफिशियल फ्लावर्स ज्वेलरीज जो मैंने अमेजोन से ली है। सो अगर आपके घर पे शादी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं ब्राइडल ज्वेलरी के साथ आपको फ्लावर्स ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है गाइज। सो ऐसे बहुत सारे ज्वेलरीज हॉल में आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई करा है। ओके, सो जितनी भी ज्वेलरीज है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और ये वीडियो पसंद आती है गाइज तो प्लीज़ लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कॉमेंट में जरूर से बताना कि ज्वेलरी कैसी लगी। एंड नाउ विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट आइटम इज दिस कुंदन की ज्वेलरी जो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। कुछ इस तरीके के पैकेट में ही आती है। इस पर आपको एक चोकर मिलेगा, एक लॉन्ग हार मिलेगा, ईयरिंग्स मिलेंगे और मांगटिका मिलेगा। सो ये मांगटिका का आप साइज़ देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं, बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ है। ईयरिंग्स की साइज़ भी बहुत स्टैंडर्ड है, लंबी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। चोकर मुझे बहुत पसंद आई इसकी। लाइक अगर आप चाहो तो सिर्फ मांगटिका ईयरिंग वेयर कर सकते हो, या लॉन्ग हार भी वेयर कर सकते हो, या सिर्फ चोकर वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके की जो सेट्स होती मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी एंड फाइनली मुझे मिल गई। मुझे रेड कलर उतना पसंद नहीं आया क्योंकि रेड कलर यू नो बहुत सारे वो में नहीं चलेगा, तो मैं इसे चेंज कर दूंगी रेड कलर को। इस पर मल्टीपल कलर ऑप्शंस है, आप चेक कर सकते हो। एंड न्यूली मैरिड के लिए तो परफेक्ट है। लाइक अगर आपकी शादी होने वाली है और आप इस तरीके की सेट ढूंढ रहे हो आफ्टर मैरिज वेयर करने के लिए किसी हेवी शादी साड़ी वाड़ी में, तो ये परफेक्ट है, हाईली रिकमेंड करूंगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस 1099 है। माय नेक्स्ट आइटम इज येलो पिंक फ्लावर ज्वेलरी एंड कुछ इस तरीके के डब्बे में आती है। सो फैब्रिक ज्वेलरी है ये, जिसपे आपको मोती का वर्क मिल रहा है एंड इसका प्राइस 595 है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो मैं इसे 200% रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस पर आपको लॉन्ग हार मिल रहे हैं जिसपे मोती का भी वर्क करा हुआ है। मांगटी का आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल है, छोटे छोटे से रोज बने हुए हैं एंड उस पर मोती का लटकन भी है। इस पर आपको ईयरिंग्स मिल रही है जिसपे ऑक्स है, और चोकर मिल रही है, चोकर भी इसका बहुत ब्यूटीफुल है। एंड प्लस आपको हैंड का ब्रेसलेट विथ ईयरिंग वाला अटैच मिल रहा है। So, अगर आपके घर पे शादी है, आपको कोई हल्दी पार्टी अटेंड करना है या फिर मेहंदी अटेंड करना है, तो ऐसी जो सेट है बहुत इन है और बहुत फैशनेबल भी लगती है। सो किस घर पे शादी हो, फ्रेंड की शादी हो, रिलेटिव की शादी हो, एकदम इस तरीके की ज्वेलरी पहनो एंड कोई भी सिंपल आउटफिट भी इस पर बहुत सुंदर लगने वाली है। एंड द बेस्ट थिंग की बहुत सारे कलर ऑप्शन इस पर आपको फ्लावर्स ज्वेलरी के अमेजोन पे मिलेगी, तो आप जरूर चेक कीजिए। कुछ कलर तो मैंने यहाँ पे पिक करा है बट बहुत सारे ऑप्शन, लाइक कोई भी कलर का आउटफिट है आपको वो कलर जरूर मिलेगा। सो हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत पसंद आई मुझे, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस येलो एंड व्हाइट प्लास्टिक फ्लावर ब्राइडल ज्वेलरी। सो ये गाइस, ये जो फ्लावर ज्वेलरी है वो प्लास्टिक की है एंड इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो फैब्रिक की है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसका प्राइस 448 रुपीज़ है एंड ये बहुत ही हल्का पुल्का सा सेट है, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड कुछ ये गजरे काइंड ऑफ डिज़ाइन बना हुआ जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो इसका ईयरिंग्स मुझे बहुत पसंद आई, हार भी जो है बहुत हल्का पुल्का है, तो ये ब्राइडल के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप दुल्हन बन रहे हो, अगर आपको अपने हल्दी के लिए कुछ चाहिए तो बहुत अच्छी है, ब्राइडमेड्स के लिए बहुत अच्छी है ये वाली ज्वेलरी। बहुत हल्की पुल्की है और बहुत ये रियलिस्टिक लग रही है, लाइक वो तो फिर भी पता चल जा रहा है कि चलो आर्टिफिशियल है बट ये बहुत रियल लग रही है। आपको इस पे ब्रेसलेट मिल रही है, चोकर नहीं मिल रही है, लाइक एक पेरिटिका मिल रहा है, ईयरिंग मिल रही है, हार मिल रहा है एंड दोनों हाथों की ब्रेसलेट मिल रही है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये बहुत हल्का पुल्का है, सो हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा। थोड़ा कम होता तो मैं हाईली रिकमेंड करती, बट अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो आप रियल बनाना चाह रहे हो, बन नहीं पा रहा, तो उसके लिए बेस्ट है, आप ये खरीद सकते हो। माई नेक्स्ट आइटम इज वेरी ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर फैब्रिक ज्वेलरी। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी सेट है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसके झुमके के वजह से। मुझे इस पर झुमका जो मिल रहा है ना, नॉर्मली झुमका मिलता नहीं है फ्लावर ज्वेलरी, बट इस पर मिल रहा है तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चोकर मिल रही है, बड़ी सी झुमकी है और ब्रेसलेट विथ अटैच फिंगर रिंग आपको मिल रही है, पैरी टीका भी इस पर आपको मिल रहा है जिसपे मोती भी लगी हुई है। इसका साइज बहुत ह्यूज है फ्लावर्स का, बड़ी बड़े से रोज फ्लावर्स बने हैं। इसपे आपको बाजूबंद मिल रहा है, आप बाजूबंद यूज कर लो या एज अ पायल यूज कर लो, उस पर घुंघरू भी मिल रही है। सो मैं प्रीफर करूंगी मैं एज अ पायल यूज करूँ, बट आप बाजूबंद भी यूज कर सकते हो, तो इतनी सेट इस पर मिल रही है, बहुत गजब का लगा। इवन मैं पहन के बहुत ही इंजॉय भी कर रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा है। इस पर मैंने मैचिंग ड्रेस डालकर यू नो शूट भी कर डाला, ये इतनी प्यारी सेट है।
प्राइस इसका 808 रुपीज है और थोड़ी सी हाई प्राइस है, बट क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। और एक्स्ट्रा आपको बाजूबंद भी ऐड हो जा रहा है, लाइक एंकलेट आप बोल लो या फिर जिस तरीके से आप यूज करो। और जो उसकी झुमके आप देख सकते हो बहुत ह्यूज साइज है, उसकी फ्लावर्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। डार्क पिंक एंड लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन आपको मिल रही है और झुमके की वजह से मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि फ्लावर ज्वेलरी में नॉर्मली इस तरीके की मोती की झुमके के डिज़ाइन मिलती नहीं है और ह्यूज साइज है तो गजब का लग ही रहा है। बस इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, इस पर जो आपको फ्लावर्स के बाद में जो छोटे छोटे पेटल्स जो मिल रहे हैं ना वो थोड़ी बहुत झड़ती है, तो वो झड़ेगी इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बट मैं इसे हाई रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। माय नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस दुल्हन ज्वेलरी, लाइक ब्राइडल ज्वेलरी सेट। सो इस पे आपको गाइज सब लाइक एक ब्राइडल ज्वेलरी में जितना कुछ होता है इस पे आपको सब कुछ मिल रहा है। इसका प्राइस है 2069। इस पे भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलेगी, आप चेक कर ले। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो इसका जो एक लॉन्ग हेयर मिल रहा है जो काफ़ी हेवी है, एंड चोकर मिल रही है जो आप साइज देख सकते हो बहुत हेवी है, मतलब पहनने पे ऑब्वियसली दुल्हन ज्वेलरी तो लाइट वेट आपको मिलने वाली नहीं है। मुझे खुद पहनकर इतना ज़्यादा हेवी फील हो रहा था। तो इस पे आपको नथ मिल रही है, झूमर मिल रही है, इयररिंग्स मिल रहे हैं लटकन के साथ, और पैरी टीका मिल रहा है जिसपे 3 लेयर्स कुंदन के हैं, काफ़ी ह्यूज है, और आपको ब्रेसलेट भी मिल रही है विथ फिंगर इयररिंग। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। एंड कुछ इस तरीके से मैं रेडी होकर भी आपको दिखा रही हूँ, नॉट प्रॉपर रेडी मैं हुई हूँ, बट मैंने ट्राई करा है कि एक वो ना दुल्हन वाला टच देने को कि आपको समझ में आए कि कैसी लग रही है। हाईली रिकमेंड करूँगी। हाँ, थोड़ी हेवी है बट बहुत प्यारी सेट है। सामने से अगर आप देखोगे तो कुंदन का वर्क पे शाइन बहुत है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आज का अमेजोन ज्वेलरी हॉल पसंद आया हो। पसंद आया हो तो जल्दी से कॉमेंट करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज।